आज हम हिमांशु सर से सीखेंगे, जानेंगे कि अल्टीमा टोकन्स का क्या पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल से हम आने वाले वक्त के अंदर मार्केट के अंदर कितना बूम कर सकते हैं हम हमारे बिजनेस को, और कैसे हम हमारी लाइफ को टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हिमांशु सर को। सबसे पहले तो मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। और उसके बाद मैं सभी दिग्गज लीडर्स जो यहाँ पे हैं, सभी सम्माननीय, मेरी जितने भी अपलायंस है, जितने भी लीडर्स है, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस काबिल बनाया, और सीख करके आज यहाँ पर मैं इतने बड़े मंच पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा, और जैसे सर मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो आप मुझे प्लीज गाइड कीजिएगा। तो सर यहाँ पे क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, तो साथियों दिल थाम के बैठ बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही जबरदस्त इसलिए है क्योंकि आज वो ऐतिहासिक घड़ी है जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, पूरी कम्युनिटी को। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में 120+ से ज्यादा ये बिजनेस हो रहा है, तो ये ऐतिहासिक दिन आज बना है। तो अल्टीमा की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पर आपको गाइड करूंगा। डिस्क्लेमर साथियों यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंदी में बताना पसंद करूंगा कि साथियों यहाँ पे कहते हैं जो हम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये आपको एक फाइनेंशियल हम कैसे फ्रीडम ले सकते हैं, कोई आपको कहते हैं यहाँ पे सोचकर समझ करके सारे रिस्क फैक्टर देखते हुए प्रॉफिट को देखते हुए उसी में अपना उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है जितना आपके पास एक्स्ट्रा में रखा हो। यहाँ पे कोई आप अलग से फाइनेंस मत लेके आइएगा, यहाँ पे आप कोई ऐसा पैसा मत लगाइए जिसकी आपको अगले 2 महीने अगले 3 महीने में जरूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। उसके बाद बात करते हैं सेम क्वेश्चन जो वर्ल्ड वाइड के अंदर चल रहा है, हाउ डू यू अर्न मनी, ए लॉट ऑफ मनी लॉन्ग टर्म सिक्योर, कैसे हम हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इन्फ्लेशन और क्राइसिस आपके सामने है कि आज देखो कि लॉकडाउन के बाद से कितना ज्यादा क्राइसिस आ चुका है, कितना ज्यादा कहते हैं मार्केट के अंदर आज कंपटीशन है, एक ही व्यापार को करने वाले कितने सारे आज लोग हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है और रिस्क कितना है, आप ही देखें। हर एक बिजनेस के अंदर एक संभावनाएं होती है, आज एक बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट कितने रुपए लगा के बैठा हुआ है और कितने रेस्टोरेंट खाली है, कितने होटल्स है, बहुत सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी देखते होंगे। तो इसके बीच में हम बात करते हैं ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट की जिसने आज पूरी मार्केट में तहलका मचाया हुआ है, वो कैसे है उसको जान लेते हैं। द फ्यूचर ऑफ मनी क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातन कालों में जाते हैं तो बार्टर डील हुआ करती थी। बार्टर डील मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास चावल है और गौरव सर के पास गेहूं है तो हम एक दूसरे से लेन देन कर सकते थे, तो इसे बोलते थे बार्टर डील। फिर उसके बाद और थोड़ा सा सिस्टम अपडेट हुआ तो क्वाइंस आए, जो राजा महाराजा उन्हें अपने अपनी जगह पे क्वाइंस चलाए। जैसे मान लीजिए मैं किसी एक सल्तनत का राजा हूँ तो उसमें कहते हैं कुछ मैंने अपने नाम से, अपने चेहरे के नाम से या अपने शासन के नाम से क्वाइंस प्रोड्यूस करें, तो वो क्वाइंस उस जगह चलते थे। फिर उसके बाद और चीजें अपडेट हुई तो बैंक नोट्स आए, फिर उसके बाद और चीजें अपडेट हुई तो चेक्स आए, फिर उसके बाद और ज्यादा चीजें अपडेट हुई तो प्लास्टिक कार्ड है जो कि आज आपके पर्स के अंदर वॉलेट के अंदर होंगी, फिर उसके बाद और ज्यादा अपडेट हुआ तो ऑनलाइन बैंकिंग आई जिससे हम अपना आराम से पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, फिर और ज्यादा अपडेट हुआ तो मोबाइल बैंक यूपीआई आया, हम क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं। फिर अभी अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या आया साथियों, डिजिटल करेंसी। साथियों हमें अपने आप को समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा, जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो कहीं ना कहीं मार्केट से बहुत ज्यादा आउट हो जाएगा। इसका जीता जाता उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो मोबाइल फोन अगर आप देख लीजिए, ब्लैकबेरी एक स्टेटस ऑफ सिंबल कहा जाता था कुछ सालों पहले, जैसे आज एप्पल स्टेटस ऑफ सिंबल है, लेकिन आज ब्लैकबेरी किसके हाथों में है, कहीं पर भी नहीं है क्योंकि उसने आपको अपडेट नहीं करा। नोकिया फोन जो हर एक के पास होता था, तो आज उसके पास किसी के पास नोकिया फोन, बहुत 100 में से 1 बंदा होगा जिसके पास शायद ही नोकिया फोन होगा। ठीक है, उसके बाद मोटरोला, ये वो फोन है जो अपने आप में ब्रांड हुआ करते थे और बहुत ज्यादा इसकी डिमांड थी, लेकिन आज डिमांड मार्केट से क्यों गायब होगी, क्यों एक कंपनी आज मार्केट में नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं करा। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को समय के साथ साथ अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं ये जो क्रिप्टो करेंसी है, सबसे पहले 13 साल पहले अगर बात करें तो बिटकॉइन
जहाँ पे मदर ऑफ करेंसी जिसको बोला जाता है, तो ब्लॉक चैन पे सबसे पहले जो करेंसी रखी गई थी उसका नाम था बिटकॉइन। लेकिन उसके बाद जब धीरे 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 इसका क्रेज आया तो बहुत सारे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी आई, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे क्रिप्टो है जिन्होंने अपनी खुद की ब्लॉक चैन बनाई हुई है, जो अपनी खुद की ब्लॉक चैन को रन करते हैं। अगर मैं ब्लॉक चैन की पोटेंशियल की बात करूँ, इसकी ग्रोथ की बात करूँ, तो आज 2023 में इसके जो यूजर्स है वो 50 मिलियन यूजर्स है, और अगर आने वाले फ्यूचर की बात करूँ तो 2030 में इसके जो यूजर्स है वो 1 मिलियन होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके ग्लोबली कंपनी जो इससे जुड़ने जा रही है, बैंक सेक्टर है, ब्लॉक चैन में अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद सप्लाई चैन है, सप्लाई चैन में आप देख सकते हैं फोर्ड है, यूनिलीवर है, बहुत सारे वॉलमार्ट है। उसके बाद हेल्थ केयर की फाइजर, ये प्रोडक्ट आपका मेडिसिन का है, इंश्योरेंस में, एनर्जी में, रियल इस्टेट में, ट्रेड में और गवर्नमेंट में। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो कंपनियां, ये अपने आप को शिफ्ट कर रही है धीरे धीरे ब्लॉक चैन पे। उसके बाद अगर अपने कॉन्सेप्ट की बात करी जाए, जिसमें हमें हमें बड़ा फक्र होता है, बड़ा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि इस सिस्टम को मिशन क्या है हमारा, मिशन है हमारा पूरे वर्ल्ड को डिजिटल की तरफ लेके जाना। और इस सिस्टम में हमें लगभग लगभग कंपनी को लगभग लगभग 7 साल हो चुके हैं। ये क्रिएटेड हुआ था 2016 में, और आज की अगर इसकी कम्युनिटी की बात कर जाए तो 25 लाख यूजर्स इस कम्युनिटी के साथ है। इसने क्या करके दिखाया मार्केट के अंदर, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रूफ ऑफ मार्केट, यानी कि इसने प्रूफ करके दिखाया कि रियल पीपल, रियल टोकन, रियल कम्युनिटी के साथ आज मार्केट के अंदर ये 7 सालों से टिका हुआ है। फाइनेंस में आज बहुत सारे प्रोडक्ट आए जिन्होंने अपने कहते हैं 6 महीने 1.5 साल में वो गायब हो गए, लेकिन साथियों हम यहाँ पे 7 सालों से टिके हुए, ये बहुत ही बड़ी मजबूती की बात है हमारे लिए, जो कि यहाँ के कंपनी के मिस्टर एलेक्स रेनाल्ड जो कंपनी के मालिक है वो ये बहुत गर्व से कहते हैं, और हम भी बहुत गर्व से कहते हैं कि हमें मार्केट के अंदर आज 7 साल हो गए। और प्रोडक्ट कहाँ का है, जर्मनी का है। उसके बाद कंपनी के सीईओ जो कंपनी के फाउंडर है उनकी बात करी जाए तो मिस्टर एलेक्स रेनाल्ड दुनिया की टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आज इनका जो स्थान है वो 8वें नंबर पर है। अगर हम गूगल पे डाल के देखेंगे द टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड, तो इनका स्थान 8वें नंबर पे, जहाँ पे पहला स्थान बिटकॉइन का है, दूसरा स्थान इथेरियम का है, उसी लाइन में 8वां स्थान इनका है। और अगर इनकी पॉपुलैरिटी की बात करी जाए तो साथियों ये जो आप मैगजीन्स के नाम देख रहे होंगे, इनमें से कुछ मैगजीन्स को मैं भी जानता हूँ, और इनमें अगर किसी का नाम आ रहा है तो इसका मतलब उसने बहुत ही महान कार्य करा हुआ है। और अगर दुबई की बात करी जाए तो दुबई में आप समझ सकते हैं कि दुबई में जो लोग रहते हैं वहां पर तो वो कितने रिच होते हैं। तो दुबई की एमिटीज में टॉप 100 में एलेक्स सर का नाम है। ये हमारे लिए फख्र की बात इसलिए है क्योंकि हम इस कंपनी के को पार्टनर हैं। वो कैसे बनते हैं को पार्टनर, आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। अल्टीमा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ कि अल्टीमा इंफ्रास्ट्रक्चर की 25 लाख यूजर्स की कम्युनिटी और क्या क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अल्टीमा मार्केट पैलेस, क्राउड फंडिंग, ट्रेवल क्लब, अल्टीमा एक्सचेंज, अल्टीमा डेबिट कार्ड, अल्टीमा फार्म। अब मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा कैसे कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम डेबिट कार्ड को जान लेते हैं, जहां पर हमारे पास सबसे बड़े गर्व की बात है कि आज पूरे विश्व में इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी है लेकिन किसी के पास भी खुद का अपना क्रिप्टो का डेबिट कार्ड नहीं है। दूसरे गर्व की बात यह है कि मास्टर कार्ड ने इसके साथ टाई अप करा हुआ है। मास्टर कार्ड अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर एक ब्रांड ने इसको कुछ ना कुछ तो देखा होगा, इसके अंदर कुछ पावर देखी होगी, कुछ खासियत देखी होगी, तभी उसके साथ इसने इसको टाई अप करा है। अब इस डेबिट कार्ड की खासियत क्या है, आप इसके अंदर अल्टीमा टोकन के साथ साथ इथेरियम, BCH, USDT, यूरो, डॉलर, USDC, बिटकॉइन, सारे के सारे जो वर्चुअल करेंसी इस कार्ड के अंदर डाल सकते हैं और इसको लिक्विडेट कर सकते हैं INR में। अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप विदेश में रहते हैं तो आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम दुबई गए थे तो वहां पे हमने दिरहम से ATM से दिरहम निकाले थे, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ आज ही कार्ड काम कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं इसके एक्सचेंज की। अल्टीमा का खुद का अपना एक्सचेंज आने वाला है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी डिमांड एंड लिक्विडिटी बनेगी। आपका पेयरिंग BTC से, इथेरियम से, BCH से, USDT से, USDC से, तो ये सारी की सारी पेयरिंग से एक्सचेंज में आज आपको आने वाले कुछ समय में दिखेगा। उसके बाद बात करते हैं इसके तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कॉपी ट्रेडिंग। साथियों यहाँ पर हम मास्टर बन सकते हैं ट्रेडिंग के भी, और ये सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर अल्टीमा की कॉन्सेप्ट में, जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। उसके बारे में आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। उसके बाद एक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्रैवल प्रोग्राम, जो कि इंडिया में बहुत सारे लोग जगह जगह नई नई जगह घूमने जाते हैं, तो
तो यहाँ पर अल्टीमा टोकन से आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं और उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है साथियों, सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है कि 90% का आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। होटल्स आप ले सकते हैं, वर्ल्ड वाइड होटल्स आपको अगर बुक करने हैं आप बुक कर सकते हैं, फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं, रेंटेड कार ले सकते हैं, एक वेकेशन का अच्छा सा पैकेज ले सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको 90% का यहाँ पर कैश बैक मिलेगा, 90% डिस्काउंट। तो ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और इसकी जो डिमांड है मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा बन जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसके वाउचर्स की, तो अल्टीमा की डिमांड में ये भी बहुत बड़ा एक अहम रोल पैदा करता है। यहाँ पर आप वाउचर्स ले सकते हैं जिसमें आप क्या कहते हैं अलग अलग शॉपिंग कर सकते हो, उसमें भी आपको कैश बैक मिलेगा। कितना जबरदस्त मौका आपके साथ आने वाला है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, समय को और थोड़ा समय देना पड़ेगा जिससे चीजें सारी के सारी अच्छी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपके वाउचर्स की, अलग से एक और वाउचर्स है जिसमें आप ये कहते हैं अपने अल्टीमा टोकन को फ्रीज करके 90% का डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट पैलेस की बात करी जाए तो मार्केट पैलेस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, ताओबाओ है, तो ये जो एक्सचेंज, ये जो मार्केट पैलेस है यहाँ पर आप अपना कैश ऑन डिलीवरी यहाँ से आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे खूबसूरती की बात ये कि अल्टीमा का खुद का अपना अल्टीमा टोकन से आप खुद का मार्केट पैलेस ले सकते हैं, आप वहां पे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं अल्टीमा टोकन से। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की, तो आप देखते हैं कि आज टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो आप अल्टीमा के माध्यम से यहाँ पे एडवर्टाइज भी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अल्टीमा इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ पर साथियों ग्लोबली क्राउड फंडिंग के प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई अच्छा सा एक आइडिया है जिसके लिए आपको फंड की जरूरत है, तो ये कम्युनिटी आपको फंड भी प्रोवाइड कराती है। तो इसमें आपको जैसे आप देख सकते हैं आज शार्क टैंक चल रहा है, तो वहां पे कहते हैं लोग अपने अपने आइडियाज लेके जाते हैं, तो वहां से आपको फंड मिलता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे चैरिटी की, तो साथियों जैसे कि आप देखते हैं विश्व भर में बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी होती है, तो यहाँ पे आप चैरिटी करके भी एक अच्छा मौका प्राप्त कर सकते हैं। क्या उससे आपको प्राइज मिलेगा, प्राइज आप अच्छा सा प्राइज ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने खुद भी देखा हुआ है यहाँ से चैरिटी का प्राइस लेते हुए, जहाँ पे पहले मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पे मैकबुक आईफोन 13 मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लोगों ने यहाँ पे चैरिटी करी थी तो उनको प्राइस भी रिवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद ज्वेलरी की, अब आप लेडीज हो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आप अल्टीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्वेलरी को भी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डिमांड एंड लिक्विडिटी की अल्टीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो गेम्स की भी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नई यंग जनरेशन है या जो आने वाली जो 3 साल जिनको 4 साल हुआ है, ठीक है, वो अपना कहते हैं गेम्स में आज बहुत ज्यादा ध्यान देती है, तो यहाँ पे आप प्ले भी कर सकते हैं और साथ में अर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अल्टीमा टोकन की, तो साथियों जो टोकन जो सप्लाई हुए हैं वो इनिशियल सप्लाई जो है इनकी 20,000 है। उसके बाद आप देख सकते हैं 4 अप्रैल को हमारा अल्टीमा टोकन लॉन्च हुआ था, जिसकी टोटल इनिशियल सप्लाई की बात करते हैं तो 20,000 है, और उसमें से बहुत ज्यादा टोकन लोगों ने मार्केट में खरीद चुके हैं यहाँ पे, जिस जो अपना स्टेकिंग करेंगे फार्म पे। अगर इसकी टोटल सप्लाई की बात कर जाए तो 1,10,00,000 सप्लाई है इसकी टोटल। उसके बाद अगर इसकी ब्लॉकचेन की बात कर जाए तो डिसेंट्रलाइज इसकी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन है, और डिमांड एंड लिक्विडिटी यहाँ पे पहले दिन से 100% रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको पहले के स्लाइड में बताया, वो इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा किससे चलेगा, अल्टीमा टोकन से। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी डिमांड पैदा होने वाली है यहाँ पे। उसके बाद बहुत ही आसान है मिंटिंग, टेकिंग, प्रोडक्शन है यहाँ पर, फास्ट एंड इजी, बहुत इजी है, कोई स्पेशल स्किल नहीं है। जैसे आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं तो उसी प्रकार से ये भी बहुत आसानी से चलता है। मैक्सिमम सिक्योरिटी इसकी बहुत ज्यादा फुल्ली ऑटोमेटिक है, फास्ट डुप्लीकेशन है, और जिसको आपको बताने में बहुत ही आपको इसमें रॉकेट साइंस नहीं जुटाना है कि इसमें आप बता नहीं सकते, बहुत आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, मिंटिंग स्पीड, हमें पहले वर्ष जो मिंटिंग स्पीड मिलेगी वो 720% से घट करके लास्ट तक 380% हो जाएगी, दूसरे वर्ष वो 360% से चल करके 200% हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आओ और पहले पाओ कि आपने बहुत जगह कहावत सुनी होगी, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 720% के अपने प्रॉफिट को बुक करना है मिंटिंग को। अब ये स्ट्रेटजी है
जहाँ पे आप कैसे ये क्वाइन का प्राइस धीरे 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 हाइक पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मिंटिंग स्पीड धीरे 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 स्लो होगी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर क्वाइन ज्यादा नहीं आएगा। उसके बाद टोकन की बर्निंग, टोकन की फ्रीजिंग 1% पर डे का पे आउट ये आपको देने वाली है। ज्यादा आप अपना क्वाइन मार्केट के अंदर नहीं लेके जा पाओगे। वो कैसे होगा आगे की स्लाइड्स में आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जितना भी आपको मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है, जहाँ पे सारा का सारा जो टोकन है यहाँ यूज होगा, वो कहाँ जाएगा? वो बर्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर वो टोकन आने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से बर्न कर दिया है। उसके बाद फ्रीजिंग का ये कॉन्सेप्ट है, कितने साल की फ्रीजिंग है? फ्रीजिंग 3 इयर्स की है। और रिस्पॉन्सिबल इंडिकेटर, जिसके लिए हर एक को रिस्पॉन्सिबल रहना है। और ये रिस्पॉन्सिबल इंडिकेटर कैसे वर्किंग करेगा? प्राइस इज गुड, अगर प्राइस गुड है तो आपको फ्रीजिंग करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने क्वाइन को सेल कर सकते हैं। अगर प्राइस येलो जोन में जा रहा है तो आपको 50% वहां पे फ्रीज करना है, लेकिन उसके लिए भी हमें 7 डेज का टाइम मिला हुआ है। लेकिन यदि अगर आपका प्राइस रेड जोन में जा रहा है तो वहां पे आपको 3 दिन का समय मिलेगा। 3 दिन में आपको लगता है कि ये येलो जोन में जा सकते हैं, ग्रीन जोन में जा सकते हैं, तो आप अपने क्वाइन को रख सकते हैं। लेकिन 3 दिन से पहले पहले आपको इसको 100% पूरा का पूरा क्वाइन फ्रीज करना है। अभी कैसे वर्किंग करता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। अभी प्राइस गुड है तो आप अपना 60% पे आउट 1% पर डे के हिसाब से अपना मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। 40% आपका फार्म को अपग्रेड करने के लिए रहेगा। लेकिन अगर प्राइस येलो जोन में जा रहा है तो 50% फ्रीज करना है और बाकी का 50% आपका मार्केट के अंदर आप सेल कर सकते हैं। 7 डेज का यहाँ पे टाइम मिला हुआ है सेव। उसके बाद अगर रेड जोन में जा रहा है तो वहां पे आपको पूरा का पूरा क्वाइन आपको फ्रीज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 0.09 यानी कि 50%, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.18 पूरा का पूरा, ठीक है। इसके लिए हमें 3 दिन और 7 दिन का समय मिलता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि 7 दिन बाद अगर हमारे प्राइस ग्रीन हो सकता है या 7 दिन से पहले पहले, तो आप जरूरी नहीं कि आपको फ्रीज ही करना है। कई बार माइंड में आपके लगता होगा कि 7 दिन अगर येलो जोन है तो यहाँ पे हमें फ्रीज ही करना है। नहीं साथियों, अगर मार्केट ग्रीन जा रहा है तो आपको 6ठे दिन में पता चला ग्रीन चला गया, आप मत कीजिए, आप अपना सेल कीजिए। बहुत सिंपल और आसान है। लेकिन यदि आप मैं तो यही कहूंगा ट्रैफिक सिग्नल है, अगर आप इस ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करोगे तो आपको गवर्नमेंट पनिश करती है। तो यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे क्या मिलता है? यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे यही मिलता है कि जो आपका क्वाइन उस महीने का है वो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा और अगले महीने अगले 3 साल बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि अगर आप 24 दिन मान लीजिए कहीं घूमने चले गए बाहर और आपने अपनी आईडी को भी नहीं खोल के देखा और प्राइस अगर इसका डाउन है या रेड जोन में जा रहा है या येलो जोन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आपने 24 दिन बिता दिए तो 24 दिन में आपके जो 24 महीने की मिंटिंग थी वो सारी की सारी फ्रीज हो जाएगी और जिसका आपका लाभ मिलेगा अगले 3 साल बाद, ठीक है साथियों। ये अल्टीमा प्राइस की जो ग्रोथ की स्ट्रेटजी है, कैसे इंडिकेटर के माध्यम से 60% 40% का रेशो है, टोकन बर्निंग है, टोकन की फ्रीजिंग है, 1% पर डे का पे आउट है। तो ये जो है ये आपको तकनीक बताई जा रही है कि किस तरह से प्राइस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करेगा। उसके बाद ये ग्रोथ के जब ये प्राइस ग्रोथ करेगा तो उसके बाद होगा क्या, टॉप 10 एक्सचेंजर पर मोस्ट लिस्टिंग होगा ये क्वाइन। क्वाइंस मार्केट कैप में जो इसकी क्वाइन की रैंकिंग है वो टॉप 100 में आएगी। बाइनेंस पे लिस्टेड होगा और उसमें रैंकिंग इसकी टॉप 10 में आएगी। इसका जो डेली का इस्तेमाल करने का तरीका है वो बढ़ता रहेगा। डिमांड एंड लिक्विडिटी की बिग कम्युनिटी बन जाएगी यहाँ पे। अल्टीमा इंफ्रास्ट्रक्चर 25 लाख यूजर्स के साथ हमें करना क्या है, यहाँ पर लाइसेंस को बाय करना है। और ये लाइसेंस की सुविधा सिर्फ एक प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के पास ही है। जैसे खाना बनाने के लिए फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही क्रिप्टो को पैदा करने के लिए, क्रिप्टो को एसेट को बढ़ाने के लिए हमें अल्टीमा मिंटर की जरूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमें हमारे पास ही है। उसके बाद हमें मार्केट से क्वाइन खरीदना है और मोर टोकन्स को यहाँ पे हमने एक्टिवेट करना है, अपने यहाँ पे हमने अपनी एसेट को ग्रोथ करना है धीरे धीरे, ठीक है। अगर इसके पैकेजेस की बात कर जाए प्रोडक्ट की, तो 110 यूरो से स्टार्टिंग होकर 5,50,000 यूरो तक के इसके पैकेजेस है। लाइट, स्टार्टर, बेसिक, मीडियम, प्लस, प्रो, प्रीमियम, अल्टीमा, ठीक है। अब ये जो अब तक का जो कॉन्सेप्ट था ये एक पैसिव कॉन्सेप्ट था। पैसिव मतलब इन्वेस्टमेंट, उतना ही जितना आप यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा रखते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि लॉन्ग टाइम लॉन्ग विजन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डेली इनकम के लिए।
क्योंकि बिजनेस प्लान है यहाँ पे, डेली इनकम चाहिए, खाना डेली खाना है हमें, तो इनकम डेली चाहिए। तो यहाँ पे जो बिजनेस प्लान है वो बहुत ही जबरदस्त है। अगर मैं बात करूँ तो एक साल में जो मैंने अचीवमेंट करा है वो सिर्फ इस सिस्टम में वर्किंग से करा है, सीख करके और सिखा करके करा है। ये कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, और जो कि आप भी कर सकते हैं। अब जब हम इस लाइसेंस को लोगों के बीच में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बारे में बेनिफिट्स बता रहे हैं, तो उसका हमें कंपनी क्या देगी, डायरेक्ट कमीशन देगी, डायरेक्ट रेफरल बोनस देगी, जिसका हमको 20% बोनस तुरंत के तुरंत मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड्स में, पहले डायरेक्ट का आपको 20% है। अब मान लीजिए सेम काम वो भी वही बंदा करता है जैसे आपने करा, तो वो आपके सेकंड डायरेक्ट में 7% का कमीशन आपको कंपनी की तरफ से आएगा। ऐसे तीसरे से लेके पांचवें लेवल तक 3% है, और छठे से लेके 15 लेवल तक 1% है। उसके बाद यहाँ पर बताते हुए और ज्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे एक कंपनी ने अभी इसी हफ्ते एक लीडरशिप बोनस को ऐड करा है, और वो कैसे प्राप्त होता है आइए उसको भी जानते हैं। सेकेंड लेवल से लेके फिफ्थ लेवल तक ये लीडरशिप बोनस प्राप्त होता है। सेकेंड से लेके थर्ड लेवल तक आपको 3-3% बोनस प्राप्त होता है, और फोर्थ लेवल से फिफ्थ लेवल तक आपको 2-2% बोनस प्राप्त होता है। अब ये बोनस कैसे मिलता है, जब आप इस कंपनी के खूबसूरत रैंक जिसको बोलते हैं डायमंड रैंक, जब आप उसको अचीव कर लेते हैं, तो ये एक मुश्त आपको वॉलेट का बोनस, पूरा का पूरा लीडरशिप बोनस मिल जाता है। आइए जानते हैं, डायमंड रैंक से प्राप्त करने से पहले एक हम दूसरी इसकी इनकम के बारे में जानते हैं, जिसको बोलते हैं रैंक बोनस। रैंक बोनस यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त इनकम है। ये कैसे मिलती है उसके बारे में जानते हैं। ये 3 रेशो में आपका रैंक बोनस होगा, 50-30-20, ठीक है। जिसने भी आपको इन्वाइट करा है वो आपको पूरा बता देगा। रैंक बोनस में साथियों जो आपको बोनस मिलने वाला है ना, वो USDT में मिलेगा आपको। आप ये समझिए, जैसे जैसे जुड़ते जुड़ते क्रम में जब आप बिजनेस में आ रहे हैं, तो 5 लाख का जैसे बिजनेस हो गया, आपकी पहली रैंक हो जाएगी यहाँ पे जेड, और आपको 100 यूरो का बोनस आएगा। और ये सारा का सारा जुड़ते क्रम में है, इसके लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, और ना ही आपको अपने से करना है, अपनी और अपनी टीम के माध्यम से। अगला आपने 5 लाख का कभी भी करा तो आपके टोटल हो गए 10 लाख, आपकी पहली आपकी दूसरी रैंक होगी यहाँ पे पर्ल, और आपको 100 यूरो का बोनस दोबारा आएगा। ऐसे जुड़ते क्रम में आपका बोनस, आपका बिजनेस पहुंच गया 15 लाख का, तो 15 टोटल टोटल हो गया 25 लाख। आपकी रैंक होगी यहाँ पे सफायर, आपको आ जाएगा 300 यूरो का बोनस। जुड़ते क्रम में 25 का बिजनेस और हो गया तो टोटल हो गया 50 लाख। आपकी रैंक होगी यहाँ पे रूबी, आपको आ जाएगा 500 यूरो का बोनस। 50 लाख का बिजनेस और कर दिया तो टोटल हो गया 1 करोड़। आपकी रैंक होगी यहाँ पे एमराल्ड, और आपको आ जाएंगे 1000 यूरो। ऐसे जुड़ते क्रम में 1.5 करोड़ का बिजनेस आपने और कर दिया तो टोटल हो गया 2.5 करोड़। आपकी रैंक होगी यहाँ पे ड्रीम रैंक, जिसे बोलते हैं डायमंड, आपको आ जाएगा यहाँ पे 3000 यूरो का बोनस। ऐसे साथ ही जुड़ते क्रम में ब्लू डायमंड है, ग्रीन डायमंड है, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लैटिन, डबल प्लैटिन, ट्रिपल प्लैटिन और बिलियन डायमंड। बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, इस कंपनी की जो ट्रिपल प्लेटिन डायमंड रैंक है वो यहाँ पे अचीव हो चुकी है। और अगर इंडिया की बात कर जाए तो डबल प्लेटिन डायमंड यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। यहाँ के मान जो हमारे दिग्गज लीडर्स हैं, मिस्टर यश आते, विनोद स्वामी जी, दलित सर जी, जिन्होंने इस कंपनी की एक बहुत ही हाइएस्ट रैंक को अचीव करा है, और बहुत ही अच्छा खासा पे आउट यहाँ से लिया है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, जब हम डायमंड बनते हैं तो उसके बाद हमारी कौन सी इनकम स्टार्ट होती है, इसी से बोलते हैं साथियों डायमंड इंफिनिटी बोनस। तो दिल थाम के बैठ जाइए, डायमंड इंफिनिटी बोनस कैसे मिलता है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं पर भी आईडी लग रही है, और उसका 20% तो उसी को ही जाएगा, लेकिन उससे अलग हमें नहीं पता है कहाँ लगी है, लेकिन 15% का इंफिनिटी हमें भी आएगा। ये बहुत बड़ी एक इनकम है। या ये कह लीजिए कि आप डायमंड बन जाते हो और किसी पहले बंदे को आप इसके बिजनेस के में रेफरल कर रहे हैं, तो 20% डायरेक्ट का प्लस 15% आपको डायमंड का इन्फिनिटी बोनस आएगा। टोटल बोनस की बात करें तो 35% यहाँ पे हो गया। ऐसे ब्लू डायमंड पे 16% का इन्फिनिटी, ग्रीन पे 17% है, पर्पल पे 18 है, रेड पे 19 है, ब्लैक पे आपका 20% है, प्लेटिन पे 21% है, डबल प्लेटिन पे 22% है, ट्रिपल प्लेटिन 23% है, और बिलियन डायमंड पे है 24% का इन्फिनिटी बोनस। और ये बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एक्टिव इनकम है। उसके बाद करना क्या, बहुत ही आसान तरीका, यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा, एक लाइसेंस है जो हमें खुद भी खरीदना है और लोगों को खरीदवाना है, आइडिया हमें देना है। उसके बाद बिकम ए डायमंड, आप यहाँ पे डायमंडशिप को हासिल कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपको डायमंड बनना है, जल्दी से आपको अपने आपको ज्वाइन करना है इस बिजनेस के अंदर। और मेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है, योर टाइम स्टार्ट नाउ, लैटिन वर्ड द टाइम इज सुपर नाउ।
बहुत ही शानदार तरीके से हिमांशु जी ने आज प्लान ओवर पेश टू किया। बहुत ही शानदार हिमांशु जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आज प्लान प्रेजेंटेशन दिया और कई लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में अवगत करवाया। थैंक थैंक यू सर। यू, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अब हमारे पास, हमारे बीच में अल्टीमा टोकन्स 4 तारीख से अवेलेबल हो चुके हैं और आज से अल्टीमा फार्म्स भी अवेलेबल हो चुके हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से फिलहाल के तौर पर अल्टीमा फार्म्स को परचेज करना स्टॉप किया है, पर बहुत ही जल्द, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर ये वापस हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ नई अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, हमारे बीच में कई सारे दिग्गज लीडर्स हैं और कई सारे सुलझे हुए लीडर्स भी हैं, तो आज हम उनसे सुनेंगे कि मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकती है और ये हम लोगों को ये क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो हमारे बीच में है उड़ीसा से शिवशंकर खिलाड़ी सर, जो कि रेड डायमंड है, और सबसे पहले हम उनको। सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जय जगन्नाथ। सर, आपका साउंड कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए इसको एक बार कनेक्ट करने के लिए। तब तक हम सुनेंगे हमारे सबके चहेते ललित सर को। सर नमस्कार, बहुत नमस्कार ललित सर, नमस्कार। बहुत धन्यवाद गौरव सर मुझे कॉल करने के लिए, और पूरी कम्युनिटी की तरफ से दिल से आपको धन्यवाद है डेली 8 बजे सेशन को शुरू करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है 8 बजे ठीक सेशन को शुरू करने के लिए पूरा दिन दिमाग में एक ही चीज रहती है कि रात को मैं 8 बजे लेट ना हो जाऊं। बहुत जिम्मेदारी भरा काम है और आप इसको बाखूबी निभा रहे हैं, तो मैं आपको सुमित सर को दिल से नमन करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई आपका, आज आप डे बाय डे बहुत मैच्योर हो रहे हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े मंच के ऊपर 500-700 लोगों के सामने प्लान देना बहुत बड़ी बात है, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप बहुत तरक्की करें, आप ऐसे ही मेहनत करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी कम्युनिटी का, जिन लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ दिया और डेली वो 1 घंटा यहाँ 1.5 घंटा बैठते हैं और सिस्टम को सुनते हैं, समझते हैं और फिर वो इस सिस्टम के ऊपर आगे बढ़ने के बारे में अपना प्लानिंग करते हैं। साथियों, आज सबको बहुत बहुत बधाई, आज हमारा नया फॉर्म लॉन्च हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने आज बाय भी किया होगा, उनमें से मैं भी एक हूँ, मैंने भी 110 यूरो का फॉर्म सुबह ही सुबह बाय किया था। थैंक यू सर, और ये गौरव सर ने भी किया है, तो जिन जिन लोगों ने ये आज फॉर्म बाय किया उनको बहुत बहुत बधाई है, और 17 तारीख को हमें मौका मिलेगा अपने इस 110 यूरो के फार्म के अंदर अपना कॉइन फ्रीज करने का, ताकि हम फिर उसको मिंटिंग कर सकें, अपने कॉइन को बढ़ा सकें। तो साथियों, अब हमारे पास दोनों चीज हैं, हमारा टोकन भी आ चुका है, हमारा फार्म भी आ चुका है, अब हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है। और इसका सबसे आसान तरीका यह है जो मैं अपनाता हूँ, मैं अपनी पूरी टीम के मेन मेन लीडर को कॉल करता हूँ शाम की मीटिंग के लिए, सुबह की मीटिंग के लिए, और फिर वो सारे लीडर अपने आगे 20 लोगों को कॉल करते हैं, और हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिससे पूरी टीम को हम कॉल कर पाते हैं। आज जितने भी नए भाई बहन यहाँ पे हैं, मैं उनको भी ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आप नए हैं, सिस्टम को भी सही तरीके से, जहां तक मैं समझता हूँ, नहीं जानते होंगे, तो आप इस जूम के ऊपर रेगुलर आइए और पर डे आप कोशिश कीजिए कि आपके साथ एक नया व्यक्ति आए, और एक नए व्यक्ति को लाने के लिए आपको कम से कम 10 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आपका ये मोबाइल आपको बहुत बड़ी इनकम दे सकता है अगर आप हमारी इस टेक्नोलॉजी को समझें, इस टूल को समझें। तो अगर आप 10 लोगों को ये बोलेंगे तो वो पूछेंगे कि भाई कैसे हो सकती है इनकम,
तो आप बताओ कि हमारा 8 बजे जूम सेशन होता है जिसमें ये पूरा सिस्टम आपको बताया जाएगा, जिससे आप समझ पाओगे ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ये काम करती है और कैसे हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगर आप 10 लोगों को कॉल करेंगे और आपके 1-2 लोग यहाँ आते हैं और यही सिलसिला पूरा महीने चलता है, आपके 50 से 60 नए लोग यहाँ आते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनमें 30 से 40 लोग जरूर इस कॉन्सेप्ट को, इस टेक्नोलॉजी को ग्रैब करेंगे। बस विनती मेरी हाथ जोड़ के वही है कि केवल और केवल 110 यूरो का पैकेज आप उन्हें प्रमोट करेंगे, वो इस सिस्टम के ऊपर सारी चीजों को समझेंगे और फिर आप उनकी शुरुआत कराएंगे। ऐसे ही हमारा धीरे धीरे यहाँ से बहुत बड़ी एक कम्युनिटी हमारे साथ होगी, और जब कम्युनिटी हमारे साथ होगी तो अभी हिमांशु जी ने आपको बताया है कि यहाँ पे हम जेड से लेके और ट्रिपल प्लेटिन डायमंड बिलियन डायमंड तक की रैंक को अचीव कर सकते हैं, और वो केवल और केवल तभी संभव है जब हम मैक्सिमम लोगों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, आज हम उस कंट्री के अंदर रहते हैं जिसके अंदर 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ लोगों में भी सबसे बड़ी बात यह है कि 80, 90, 100 करोड़ तक लोग वो हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे यहाँ है। तो ये कितने सारे कॉम्बिनेशन बने हैं आपके और मेरे लिए कि हम एक ऐसे कंट्री के अंदर रहते हैं जहां पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर हम चाहें तो हर उस व्यक्ति को कनेक्ट कर सकते हैं, हर उस व्यक्ति तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं जिसके पास फोन है। क्योंकि साथियों, आपको भी पता है आज पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई प्रोडक्ट है तो वो इंटरनेट और मोबाइल है। इसीलिए आज पूरी दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रोडक्ट जब इंटरनेट के ऊपर आता है तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर छा जाता है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अपने प्रोडक्ट को हम कहाँ प्रमोट करेंगे, तो आप बोलोगे सर लोगों में प्रमोट करेंगे। अभी मैं आपसे पूछूं सर लोग कहाँ मिलेंगे, तो आप बताओगे कि सर सबसे ज्यादा लोग मेरे शहर के चौक पे मिलेंगे, या बस स्टॉप पे मिलेंगे, या रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, या एयरपोर्ट पे मिलेंगे। नहीं साथियों, सबसे ज्यादा लोग आपको मोबाइल और इंटरनेट पे मिलेंगे। तो मोबाइल और इंटरनेट के सहारे आप इस सिस्टम को बहुत दूर तक पूरे विश्व में फैला सकते हो। क्योंकि आज हमारे पास जूम एक ऐसा माध्यम है, आपका कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, फिनलैंड में है, यूएस में है, कहीं भी है, आप उसको वहीं पे ये लिंक भेज के उसको बोल सकते हो भाई आप 8 बजे आओ, इसको सुनो, बढ़िया लगे कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो एक नई जानकारी तो आपको जरूर मिलेगी। तो साथियों, यही बात, इतना सा छोटा काम आपको कर रहा है। आज मेरी टीम के अंदर सुबह से लेके शाम तक 10 जूम सेशन चल रहे हैं, जिसमें हिमांशु भाई अलग करते हैं, अंकुश वीर जी करते हैं, डॉक्टर सोराज जी करते हैं, आकाश भाई करते हैं, अजीम भाई का अलग है, मनोज जी का अलग है, शुभम भाई, अंकित जी, मनीष जी का अलग है। तो ऐसे ही अलग अलग टीम, रामनिवास जी अपना अलग सेशन कर रहे हैं। तो जब इतने सारे जूम सेशंस कर रहे हैं तो अगर एक जूम सेशन के अंदर 10 भी नए लोग आएंगे तो कितने सारे नए लोगों तक हम डेली ये बिजनेस पहुंचा सकते हैं। और मैं सब लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपकी टीम के अंदर अगर 100 लोग हैं तो आपको पता है 100 लोगों के अलग अलग संपर्क हैं और उनके संपर्कों के पास अलग अलग टाइम है मिलने का। तो अगर हम एक ही जूम करेंगे तो शायद उनके लिए वो टाइम सूटेबल नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आप दिन भर कई जूम सेशन करेंगे और हर एक जूम सेशन के अंदर आप इस नए प्लान को प्रेजेंट करेंगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के आने की संभावना है। क्योंकि कोई व्यक्ति 2 बजे फ्री है, कोई व्यक्ति 4 बजे फ्री है, कोई व्यक्ति 11 बजे फ्री है। तो अब हम सबको यही करना है डेली, हर एक व्यक्ति, इवन मैं भी हूं उसमें, आज प्लेटफॉर्म ने सबको इक्वल कर दिया है, सबको जेड रैंक से शुरू करना है, उसमें मैं भी हूँ, गौरव भाई भी हैं, आप सब भी हैं। तो अभी सब लोगों को पर डे कम से कम 10 नए लोगों तक इस सिस्टम को पहुंचाने की कोशिश करनी है, चाहे वो जूम के माध्यम से, फोन के माध्यम से, शाम के जूम के माध्यम से, आपके नजदीक है तो आप मिल भी सकते हैं, लेकिन जूम से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फिर एक नई लोगों को राह मिलेगी जूम की, आप किसी से फिजिकली मिलेंगे तो उसको आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि मेरे भी आगे प्लान फिजिकली हो। तो अगर हम जूम के माध्यम से काम करें, अपने घर के एक कमरे को अपना ऑफिस बनाए, वहां पे एक अच्छा सा टैब या लैपटॉप रखें और उसके माध्यम से आप पर डे एक ड्यूटी की तरह 10 बजे उस रूम में एंट्री करें
और 5 बजे तक उस रूम के अंदर रहें, कम से कम 5 से 6 जूम सेशंस करें। हर एक सेशन के अंदर आप वहाँ प्लान को प्रेजेंट करें, अपनी टीम के लिए वहाँ आप अलग अलग टेक्निकल नॉलेज दें, चाहे वो एक्सचेंज के बारे में हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के बारे में हो, चाहे वो KYC के बारे में हो। तो क्योंकि आज हमें ये समझिए कि आज हमारा पहला दिन है, आज हमारी शुरुआत है, और रिक्वेस्ट वही है, ना लालच बेचना है, ना लालच खरीदना है, केवल 110 यूरो के पैकेज को हमें प्रमोट करना है। मैंने खुद ने वही पैकेज परचेज किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर इस जूम सेशन के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, और हम बहुत जबरदस्त तरीके से अभी जूम सेशन के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। और मेरी सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कि आप सब लोग अपने स्तर से अपना जूम को शुरू कीजिए दिन में, और शाम को हम इसके ऊपर मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच ललित सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि अब हमें क्या करना है। हर एक लीडर को अपनी टीम के लिए एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और वो इनिशिएटिव अपने हिसाब से लेना पड़ेगा कि जैसे आपकी टीम को जो टाइम सूटेबल रहता है उस टाइम के आप जूम सेशन कर सकते हो। और आज दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर हमारे पास जूम एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम हमारे घर के एक कमरे के अंदर बैठकर पूरे विश्व में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, एक फिनटेक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बीच में शिवशंकर खिलाड़ी सर, आप अनम्यूट हो सकते हो। सर आप ऑलमोस्ट अनम्यूट हो, पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी सर। प्लीज आप एक बार, ऐसा है तो सर आप एक बार फिर से रिकनेक्ट होइए। सर वीडियो बंद कराइए इनका, वीडियो बंद करके आए तो शायद कनेक्ट हो जाए। ओके, जब तक हमारे पास तो शिवाशंकर खिलाड़ी जी, जो कि उड़ीसा से है और बहुत ही मंजे हुए लीडर है, तो वो जल्दी हमारे साथ कनेक्ट होंगे और हम उनको सुनेंगे। दोस्तों हमारे बीच में अभी है रिडमल सिंह जी, तो हम आज रिडमल सिंह जी जो कि जोधपुर से है और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं, एज अ सेफायर रैंक पर वो डायमंड एंड एबोव का काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही जल्द हम उनको और ये डायमंड कपल को हम जल्दी से डायमंड देख पाएंगे। तो रिनमल जी आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। यस सर, सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल सर, एकदम बुलंद आवाज। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपका थैंक यू बोलूंगा आपको, क्योंकि इतना मान सम्मान देने के लिए। हम अभी कोई इतने बड़े वटवृक्ष नहीं बने, एक छोटे से पौधे है, बस वटवृक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में आके। और मेरा नाम रिडमल सिंह और जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं, बस सिस्टम को सीख के, जो जो सिस्टम के अंदर चीजें बताई जाती है उनको सीख के, वही चीजें वही सीख के मार्केट में परोसते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताते हैं। उसका रीजन है धीरे धीरे आज सफाई लेवल को क्वालिफाई किया है, और जो आज हमारे बीच के अंदर एक तहलका मचा रहा है, जो हमारे बीच में नया अल्टीमा लॉन्च हुआ है, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो सिस्टम की सारी चीजें फॉलो करते हुए, जैसा ललित सर बोलते हैं कि नया लालच को बेचना है और नए लालच को खरीदना है, सारी एक नंबर से काम करते हुए, इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हुए काम करेंगे। और हर साथी को जो हमारे साथ आएगा, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे साथ आने वाला साथी इस क्रिप्टो मार्केट के लिए नया है, उनको नहीं मालूम होता है कि बाइनेंस क्या होता है, उनको नहीं मालूम होता है कि कॉइन स्पीड क्या होता है, उनको नहीं मालूम होता है कि मिंटिंग क्या होती है। वो चीजें हमारी जिम्मेदारी, हमें उनको सिखाना होगा। हर इंसान सीखने के लिए तैयार है, लेकिन सिखाने वाला होना चाहिए। बस हम क्या करते हैं, हम मार्केट जाते हैं, उनको प्रोडक्ट बाय करवाते हैं, कमीशन आ जाता है, उसके बाद में उसका उससे ना तो बात करते हैं, ना उसका फॉलोअप लेते हैं, ना उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इंसान धीरे धीरे हमारे से दूरी बनाना चालू कर देता है, और मार्केट में कंपनी के प्रति हमारे प्रति नेगेटिविटी फैलाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितना काम थोड़ा स्लो हो तो चलेगा, लेकिन जितना भी करो एक नंबर से करो,
हमारे पीठ पीछे लोग ये बोलने चाहिए कि बंदा ईमानदार है, ना कि पैसा दिखना चाहिए। पैसा बाई प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक आता है, लेकिन हम एक नंबर के साथ में ईमानदारी के साथ में काम करेंगे, बस यही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। रिकमल जी, बहुत ही कम शब्दों में और एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैसेज आपने दिया है इस कम्युनिटी को। हमें लोगों को एजुकेट करना है, एजुकेट करके उनको इस बिजनेस को सिखाना है, ताकि लोग कम से कम, अगर हमसे वो जुड़े न जुड़े वो अलग चीज है, पर उनके मन में एक भाव अपने लिए ये होना चाहिए कि भाई साहब बंदा बढ़िया था। तो यही एक पोस्चर, एक सही मैसेज लेकर हमें मार्केट में निकलना है। हमारे बीच में ज्योति मैम है, जो कि ज्ञान का सागर है, तो इस सागर से हम आज दो गुण सुनेंगे। ज्योति मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सागर तो सर, सागर के सामने ये जो हमारे दिग्गज ग्लोबल गुरुज है, ये वहां से बूंद बूंद करके इकट्ठा हो रहा है। फिर भी मैं ये बोलूंगी कि इस सिस्टम का, दोस्तों, मैं पिछले 2.5 साल से स्टूडेंट बन के काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ। ललित त्यागी जी का बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ हमेशा, कि उन्होंने बड़े भाई बन के, नहीं वैसे तो मुझे बड़ी बहन बोल देते हैं, तो मैं भाई बोल देती हूँ, भाई बन के, एक अच्छे दोस्त बन के, एक अच्छे टीचर बन के, हर तरीके से हम सबको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत किया है, बहुत अच्छे से एजुकेशन दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम में आप लोगों को एक चीज का खुद पे प्राउड होना चाहिए कि हमारे बीच में जो फाउंडर है ना, वो हमें हर रोज का बैकअप दे रहे हैं। कभी वो वॉइस नोट पे देते हैं, कभी वो लाइव आ रहे हैं, और कभी वो खुद पैशन के साथ हमारे लिए ट्रेनिंग्स भी अरेंज करते हैं। तो इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो हमें हजम नहीं होता अगर हमें वो इजी मिल रहा है, क्योंकि हम बाहर जब जाते हैं इन्हीं चीजों को सीखने के लिए हम लाखों रुपए खर्च देते हैं। मगर जब हम लाखों रुपए खर्चते हैं तो हमें तसल्ली होती है कि हम कुछ सीख रहे हैं। आज हमें एजुकेशन के लिए सर सबको नियम से डेली सुबह और शाम पर्सनल मैसेज डालते हैं और सबको बोलते हैं आप अपनी पूरी टीम को ज्वाइन करवाएं। ये एफर्ट जो है ये इतना बड़ा होने वाला है। और दोस्तों, नेटवर्किंग, अभी ललित सर शुरू से एक चीज कहते रहे कि डेली एक्टिव लीडर जो रहेगा वो कभी भी पैसिव पे डिपेंड नहीं रहेगा। मैं ये जानती हूं कि जो लोग एक पैकेज के बाद उसकी क्वाइन की, एक छोटे से क्वाइन की फार्मिंग के ऊपर डिपेंड कर चुके हैं लाइफ को, वो गलत डिसीजन था पिछले साल। अभी हमें उसको फिर से ठीक किया है। हमें सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज पता है, 110 यूरो का पैकेज, एजुकेशन और नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में सबसे अमेजिंग बात, मेरे चेहरे पे तो एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं होती। मैं बोलती हूँ भाई बिजनेस प्लान ऐसा हो, डायरेक्ट बोनस भाई 20% आता है, टीम बोनस 25% आता है, लीडर बोनस भी आता है 10%, रैंकिंग की तो औसम है। जिस टाइम जितने बजे आप अपनी इस एक्टिव को एक्शन में बदलते हो उसी टाइम बोनस आता है। नहीं आता तो कंप्लेंट कीजिएगा, अगर आता है तो वर्ल्ड में ऐसा प्रोग्राम जो इंस्टेंट आपको इनकम देता है वो कहीं नहीं है। और अगर कहीं है तो यहाँ दिग्गज जो बैठे हैं आप उनको बताइए कि सर इससे बेहतरीन नेटवर्क कहीं और है, हम सब भी वहां शिफ्ट होके एक बार देख लेंगे। ये खुली एजुकेशन, खुली पावर, खुला मैसेज है सबको। तो रोज आओ, रोज कमाओ, रोज खाओ और ज्यादा कमाओ। 110 यूरो के ऊपर आज मैंने अपनी टीम को एक इतना छोटा सा पैटर्न दिया कि उसके अंदर उन्होंने 6 महीने के अंदर गोल सेटिंग की है। अगर आज मेरे 10 डायमंड जो है आज तैयार होते हैं 6 महीने में, तो आई थिंक, एक मिनट सर मुझे फोन आ रहा है, काटने दीजिए। ज्योति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, उनका कोई कॉल आया सर? मैं कॉल काट रही थी, सॉरी सर, सॉरी। तो मैं इसीलिए क्षमा चाहती हूँ। तो मैं ये आपको एक एज अ वुमेन, यहाँ पे वुमेन पावर किसी से कम नहीं है। हमारे भाई, हमारे को पूरे देश में घूमने वाले रामनिवास जी ने एक एग्जांपल बनाई।
हिमांशु एक एग्जांपल बना रहे हैं, अभी हमने सामने एम के पाठक सर को देख रही हूँ जिनको मैं कंटिन्यू पिछले 3 साल से लर्निंग एटीट्यूड में देखा है। अभी हमारे बीच में जो अपकमिंग स्टार्स हैं, महिमा जी आई हुई हैं, तेज कंवर आए हैं, मुझे एक से भर के एक अभी लग रहा है कि इंडिया सोने की चिड़िया बनने वाली है, क्योंकि अब हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमें पछतावा हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो आज ही मैंने अपनी टीम को दिया था। भाई मैं फेयर एंड लवली सोप, सर ने मुझे एग्जाम्पल सुनाई थी, मैं फेयर एंड लवली सोप देती हूँ और बोलती हूँ इससे आप रोज नहाओ और आप गोरे हो जाओगे, मगर आप कोई गोरे होने वाले नहीं हो। मगर मैंने उसको बेचा, आप प्रोडक्ट को बेचो, प्रोडक्ट को समझाओ, मगर नेटवर्किंग को ऊपर लेके आओ, वर्किंग को ऊपर लेके आओ। तो दोस्तों आप 110 यूरो से लेके आप अगले साल तक सिस्टम में रहे तो ब्लैक डायमंड बनेंगे, और ब्लैक डायमंड की इनकम अगर आपको देखनी हो तो आपको फार्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मेरा यही मैसेज है, आप एक्टिव पार्टनर बनिए, एक्शन लीजिए और एक्शन के साथ काम कीजिए। मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप सबके साथ नेटवर्किंग को प्रमोट कर रही हूँ, और नेटवर्किंग मतलब नेटवर्किंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और ज्यादा बोल दिया तो गौरव सर प्लीज, थैंक यू, आई एम सॉरी, बाय सर जी। नहीं मैडम, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्यादा ही अच्छा लगता है, कम तो अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे बीच में हमारे गुजरात से एक डायमंड है मिस्टर दीपक भास्कर जी, तो आज हम उनसे सुनेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करते हैं। तो दीपक भास्कर जी, थैंक यू गौरव भाई, और जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको सबको मेरा नमस्कार। गौरव भाई ने जैसे बताया और मैडम ने जैसे बताया, तो मैं खास फोकस मेरा पैसिव इनकम के लिए नहीं है। जिसने भी अपन को स्पॉन्सर किया था ना, मैं एक ही दिमाग में वो चीज है कि मेरे को जिसने स्पॉन्सर किया था उसने मुझे नेटवर्क दिखाया था कि अगर आपकी इतनी टीम होगी तो इतना होगा इतना होगा। लेकिन अपन कम्युनिटी ने क्या फील कर, कम्युनिटी ने क्या एक माइंड सेट बना लिया कि इतना इन्वेस्ट करते हैं 50,000 करते हो तो इतना 12 महीने आएगा, 5 लाख का करते हो इतना आएगा। वो माइंडसेट से निकल के एज ए नेटवर्क बिजनेस की नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा तो ही ज्यादा इनकम आ सकती है। न कि अपने एज ए, अगर मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन नेटवर्क अगर इन्वेस्टर बन जाता है तो नेटवर्क की इनकम पूरी इसमें, जबकि ये क्रिप्टो है। तो आगे मैं ज्यादा इसमें डिफाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि किसी को वो चीज वो लगेगी कि भाई अपने हिसाब से क्या करना है। लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन को अपने ग्रेप कीजिए, उस पर स्टडी कीजिए और आराम से जजमेंट लेके अपना जो भी है कि भाई पैसे इनकम मुझे कितना लेना है। अब जैसे मैंने अपना बना दिया है कि अभी लॉन्च हुआ है तो मैंने 2 दिन से अपनी टीम की जो भी एक्टिव पर्सन मेरे साथ हैं, तो मेरे करीबन 41 जो IDs है वो लंदन में है, वो सब डॉक्टर्स हैं। तो मैं उनके साथ भी अभी कनेक्ट में हूँ और उनके साथ मेरा प्लानिंग बनाया है। और मुझे मेरा अपना जो टारगेट है कि भाई मैं जो मई तक 25 लाख रुपया अर्न करना है, तो वो किस तरह से अर्न करना है तो मैं उनके साथ पूरा एक लिटरली राइटअप में प्लानिंग पूरा कर चुका हूँ मैं। और आप भी इस तरह से प्लानिंग कीजिए क्योंकि नेटवर्क के अंदर प्लानिंग प्री प्लानिंग करना जरूरी है कि आपको कितना अर्न करना है, अपनी टीम को कितना अर्न करवाना है, न कि पैसिव इनकम के बारे में ध्यान दीजिए। आज मैंने काफी समय से मैं नोट कर रहा हूँ जो बड़े बड़े लीडर्स है उनके चेहरे उतरे हुए, वो जो चेहरे के अंदर आज से 2-3 महीने पहले जो एक चार्म था ना, वो चार्म मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, लेकिन वो चार्म वापस आना चाहिए। वो चार्म कैसे आएगा वो आपको, इतने बड़े समझदार हो क्योंकि आप 4 साल से 5 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए हो और इस फील्ड पे भरोसा भी आप कर रहे हो, तो वो भरोसा को कायम रखिए और अपनी टीम को नए सिस्टम के साथ, एक बेहतरीन सिस्टम है। और मैं तो एलेक्सर को जब भी सुनता हूँ उनके ऑडियो को, चाहे वो लाइव भी वेबिनार कर रहे हो, तो उनकी बात में एक कॉन्फिडेंट बहुत लगता है और वो हमेशा आज तक बोलते रहते हैं कि नेवर गिव अप। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने आगे बढ़ाइए इस नए सिस्टम को और अपनी टीम को एजुकेट करते रहिए। जय हिंद गौरव भाई। थैंक यू दीपक भाई। जैसे आपने कहा कि लोगों ने कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की है, तो
इंसान है, इंसान से गलतियां हो सकती है, इंसान ही एकमात्र प्राणी है इस सृष्टि में जो गलती कर सकता है, बाकी किसी से गलती नहीं होती, और इंसान अपनी गलती से ही सीखता है। तो हो सकता है जिनसे गलती हो गई है वो भी इस गलती को सुधार के मार्केट में फिर से वो एक बार अपना मोहरम परचाएंगे। आज दोस्तों हमारे बीच में है विनम्रता और शालीनता की मूरत मिस्टर एम के पाठक जी। तो हम एम के पाठक जी से सुनेंगे कि हमें मार्केट के अंदर इस नए प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करना है और कैसे हम हमारी एक्टिव इनकम को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गौरव सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास करके पूरे टीम को जिस शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ पूरे सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को आपने आत्मसात किया और आगे लेकर के चल रहे हैं और रेगुलर कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं। मुझे इस जूम लिंक का लिंक मिला मुझे विनोद स्वामी सर से, और जब से मिला है तब से मैं रेगुलर हूँ इस जूम मीटिंग में। तो जब वक्त टफ टाइम होता है और उस समय पूरी कम्युनिटी को जो लेकर के चलता है, उससे बड़ा दिग्गज कोई सिस्टम का कोई नहीं होता है। और हम इसके लिए आप सभी के ऊपर प्राउड करते हैं, चाहे सुमित जी हैं, तरुण रावल सर हैं, ललित त्यागी सर हैं, आप सभी जितने लोग भी हैं। मैं शॉर्ट में मैसेज यही देना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, अभी नया सिस्टम इसमें हम बोल सकते हैं इसको एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, कई नाम से इसको जानते हैं। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो अभी सिस्टम आया है, इस सिस्टम में ये प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग को टच करता है। पीछे वाले सिस्टम में कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर वो झलकता था इन्वेस्टमेंट, इतना लगाओ इतना आएगा, और यही कारण है कि लोग दिल खोल करके अपना काम करना चाहा। हर लोग चाहता है अपने आप को लग्जरी में ले जाना, हर लोग चाहता है इजी वे में पैसा बनाना। तो किसी का सोच गलत नहीं था, सिस्टम कुछ इस तरह से था कि अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, खास करके जो खास करके इन्वेस्टमेंट को कहीं पे भी टच करता है, और शुरू दिन से ही, पहले दिन से भी जो भी आदमी इस सिस्टम को समझता है और ईमानदारी से कर रहा है, एक बात जरूर टच करता है कि अपने कैलकुलेटिव रिस्क को लेकर के आना है। मतलब हम ऐसे अमाउंट से इस सिस्टम में आए, 3 साल पहले मैं इस सिस्टम में आया था, या 3 साल पहले या 3 साल बाद इस सिस्टम में कभी भी कोई ज्वाइन करेगा तो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का जो पैटर्न है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एजुकेशन का जो सिलेबस है, रिस्क सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कभी कभी जूम मीटिंग में कि ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है उसके अंदर एक रिस्क होता है, लेकिन हम जो ये बिजनेस देख रहे हैं ये कैलकुलेटिव रिस्क का बिजनेस है। MBA के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई किया है, उसमें MBA में ही बताता है मोटी मोटी किताबों को पढ़ने के बाद कि बिजनेस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क। क्योंकि मान लेते मैं हूँ लीगल बैकग्राउंड से और कल मेरे अंदर बिजनेस का भूत सवार हो जाए, 25-30 लाख रुपए लगा करके हम मान लेते कॉर्पोरेट और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी कारण से हम उस बिजनेस को ड्रॉप करते हैं या नहीं चल पाता है या कोई ऊपर नीचे बातें आ जाती है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बदल जाती है या कोरोना जैसी कोई महामारी फिर से घेर लेती है, तो वैसे स्थिति में एक मिडिल क्लास का बच्चा जो 25-30 लाख रुपया कैसे कैसे करके इंतजाम करके बिजनेस से स्टार्ट करता है और बिजनेस किसी कारण से नहीं चलता है, तो उसके पास एक ही रास्ता होता है, बीवी बच्चे को बढ़िया से अच्छे से मिठाई खिलाता है और रात होने का इंतजार करता है, और हम सभी जानते हैं क्या होता है। यही एक बिजनेस है जो एक आम आदमी को एक रास्ता देता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा कुछ करने का, अगर आदमी के अंदर, और वो कहां से, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के। मैं भी इस सिस्टम में आया था 3 साल पहले, मैं 1 अप्रैल 2020 को आया था और 1 अप्रैल को मेरा 3 साल हो गया, 3rd एनिवर्सरी कह ले, चीजें काफी उथल पुथल हो गई इस बीच में, मैं इसलिए अपना एनिवर्सरी नहीं मना पाया, इस एनिवर्सरी को आगे हम एक्सटेंड करेंगे, एनीवे थोड़ा सा उस मोमेंट का इंतजार करेंगे। एनीवे तो ये कैलकुलेटिव रिस्क को लेकर के कोई अगर आता है तो इसमें मैंने यही सोच के लगाया था, 10,000 से स्टार्ट किया था कि अगर बिजनेस नहीं कर पाया या कोई ऊपर नीचे बात हो गई मेरे लिए तो फिर मेरे बच्चे का स्कूल से नाम नहीं करवाना पड़ेगा, फ्लैट चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई ऊपर नीचे बात नहीं हो जाएगी,
और ये बातें हमेशा, हम कोई भी बिजनेस करें, नेटवर्क मार्केटिंग का करें, कहीं भी करें, तो अपने कैलकुलेटिव रिस्क को लेकर जरूर चलें। रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। हमारे भाइयों के साथ, लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है कि हम इमोशनली बिजनेस को लेकर चले जाते हैं और अपने पॉकेट से भी, अपने कैपेसिटी से भी ज्यादा कर जाते हैं, और ज्यादा करने का ही नतीजा है कि आज कुछ लोग पैनिक है। और पैनिक होने के बाद इस विषय में मैं गर्व करता हूँ एलेक्स सर के ऊपर कि जितनी, जिस तरह से मार्केट में उथल पुथल है, जिस तरह से सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, मार्केट के अंदर आ जाती है, 3 महीने में बंद हो जाती है, और वैसी स्थिति में भी एक सोल्यूशन दिया, स्वैप का सोल्यूशन, ये दी बेस्ट सोल्यूशन है। ऐसे में जब कंपनी में बहुत ज्यादा उथल पुथल होता है तो कंपनी बंद कर लेती है अपनी शटर, और जैसा अपने एलेक्स सर का एक है, कह सकते हैं उनका अपना एक, वो अपने सेल्फ ओथ लिया हुआ है कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, और ये जो उनका ओथ है यही हमें बचाने का प्रयास करता है। बहुत सारी बातें हैं मन में, भावनाएं बहुत है, बहुत कुछ कहने का विचार भी है, लेकिन टाइम बहुत कम है और हमें आज सुनना बहुत लोगों से है, और खास करके आज हम भी देख रहे हैं अपने रैंक को कि जेडे मुझे करना है, तो इस पे जरूर बताएं कि मैं अभी टचिंग रेड डायमंड था तो वो कैसे होगा या नहीं होगा। इस पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है, तो जिनको बहुत अच्छे से इस विषय में ज्ञान है तो जरूर इसके ऊपर प्रकाश करें, प्रकाश डाले, चाहे वो हिमांशु जी हैं और ललित सर हैं या जो कोई भी इस पे प्रकाश डाल सकते हैं कि मैं टचिंग डायमंड रेड डायमंड था, थोड़ा से बिजनेस के चलते मैं रुक गया, थोड़ा सा एफर्ट लगाता तो हो भी सकता था, लेकिन मैं सोचा कि चलो अब प्लान चेंज हो रहा है, नए प्लान में करेंगे, लेकिन नए प्लान में आने के बाद झटका बहुत तेज लगा है, जेड दिख रहा है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। बाकी मैं अपनी बातों को बहुत ध्यान से अच्छे से रखने का प्रयास करूंगा अगले मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच गौरव जी, वंस अगेन आपको। ललित सर, एनके पाठक जी का जो एक छोटा सा कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन ही कह सकते हैं हम इसको, ये जो कंफ्यूजन है आप मुझे लगता है कि आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे। साधु सर, आप भी जानते हैं वैसे तो, एलेक्स सर ने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी बड़ी रैंक के करीब है तो जैसे ही आपका ये टर्नओवर उसको टच करेगा तो आपको तो डबल फायदा होना है। सपोज आपका वो टर्नओवर में आप दोबारा से डायमंड भी बनोगे, वो भी मिलेगा, और जैसे ही आपका रेड का टर्नओवर में वो कंप्लीट होगा तो आपको रेड का भी मिलेगा, लेकिन वो रेड का आपको एक्स में मिलेगा, इतना फर्क है। ठीक है साधु सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, मेरा रिप्लाई मिल गया। मतलब कि आपको दो दो बार रेड बोनस मिलेगी, रेड डायमंड पहुंचने तक जितना भी आपका बिजनेस कम पड़ रहा है वो भी ऐड होगा, और उस बिजनेस का आपका एग्जिस्टिंग जेड से लेके वापिस पर्पल डायमंड तक का भी आपको अगेन एक बार फिर से सारे रैंक बोनस मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन चीज है, ये सारा रैंक बोनस हमें यूएसडीटी में, मतलब कि यूरो में मिलने वाला है, ये सबसे बेहतरीन चीज है। हमारे बीच में है अगेन एक नारी शक्ति मिस महिमा सोडा जी, तो हम महिमा सोडा जी से सुनेंगे कि ये जो फिर से एक बार हमें ये झेड से अगेन डायमंड बनने का मौका दिया है, तो इस मौके को हम कैसे ग्रैब करें और कैसे जल्दी से जल्दी हम हमारी इनकम को मल्टीप्लाई करें। थैंक यू सो मच सर, मेरी आवाज क्लियर है? ओके, तो आज से सरप्राइज तो मैं भी हुई थी, जैसे ही मैंने डैशबोर्ड खोला और वहां पे जेड आ रहा था तो मैंने कहा कि मैं तो एमरल्ड थी, जेड कैसे बन गई। फिर उसे जैसे कि आज सुबह मॉर्निंग में प्रेजेंटेशन मुझे दिया था तो मैंने फिर से रीडिंग किया तो उसमें देखने को मिला, फिर वापस माई रैंक में जाके देखा तो वहां दिखा कि नहीं एमरल्ड ही है। अभी हमारे बीच में मतलब ऐसा हमारा नजरिया हो सकते हैं, कहते हैं कि हम अगर नजारा नजर को बदले तो नजारा बदल जाता है, हम उसको किस तरह से ले रहे हैं जो हमें मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं कि हमें यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं यहाँ से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, यानी कि डबल डबल रैंक बोनस भी हमारे बीच में आने वाले हैं। और आज एक बहुत बड़े लीडर से जिन्हें मैं मेरा मेंटोर मानती हूँ, उनसे सुनने को मिला कि आज मैं एमरल्ड बना, तो मैं भी एमरल्ड हूँ, मैं बहुत खुश हुई और उनको एमरल्ड का बोनस मिला।
और मुझे मतलब अंदर से खुशी हुई। अभी हम जैसे मुझे डायमंड का भी बोनस मिलने वाला है और जेड का भी मिलेगा, पर्ल का, सफायर का, रूबी का, एमराल्ड और फिर से डायमंड का, यानी कि डबल डबल रैंक बोनसेस हम लेने वाले हैं। और हमारे पास में, हम सभी इतने खुश नसीब हैं कि हमारे पास में ऐसे सीईओ है जो अपनी नाव के नाविक हैं और इस नाव को बहुत ही बेहतर तरीके से इसे चला रहे हैं। कि जैसे ही हमें अल्टीमा से निकले, हमें 40% का डायरेक्ट बोनस दिया गया था कि आप डायरेक्ट 40%, मतलब वो समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी और मेरी टीम को मुझे किस तरह से मेरे लीडर्स को आगे लेके जाना है और उनके लिए क्या बेहतर है। तो जब हमारे लिए बेहतर सोचने वाले बैठे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे करना है और एलेक्स सर की फोटो को सामने रखना है, सब कुछ उनपे छोड़ देना है और ईमानदारी के साथ में लोगों को वेल्थ वाइज मदद करनी है। जो मैसेज आपको दिया गया है, इस मैसेज को कितना आप वितरित कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन जेड है या फिर अभी नए बनने वाले हैं, वो कितने लोगों को जेडे बांट सकते हैं, कोई पर्ल है वो कितने लोगों को पर्ल बांट सकते हैं। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जो आपको मिला है वो सबको बांटना है। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच महिमा मैम, आप भी इस प्लेटफॉर्म को डिजर्व करते हो। और जो सोच है एमरल्ड, और मतलब कि जो भी रैंक है वो सिर्फ एक अचीवमेंट है, सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो अभी बाकी है, ये सक्सेस के पथ पे आने वाले कुछ अचीवमेंट्स है, कुछ पड़ाव है। बाकी यहाँ पर जितने भी अटेंडीज है 395, सबका एक ही गोल है, बिलियन डायमंड बनना। दोस्तों हमारे बीच में है यस राम निवास जी, सर आप एडमिट हो सकते हो। और आज हमने आपको पहली बार देखा है, मतलब ये कितने दिन से जूम चल रहा है, आज पहली बार हमने आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखा है, वो भी स्क्रीन पेपर ऑन वीडियो। तो आज सबसे जितने भी ये पैनलिस्ट थे उसमें से सबसे ज्यादा खुशी हमको आपको सुनने में मिलेगी कि आज हम कुछ और नया नॉलेज ले पाएंगे। जैसे कि आपकी जो रैंक अभी दिख रही है रेड डायमंड, तो जेड से लेकर रेड डायमंड तक की जो सफर आपकी रही है, और मार्केट में जैसे आपने इस सफर को पाने के लिए कुछ कठिनाइयां भी झेली होगी, तो उस कठिनाइयों का सामना कैसे किया है और उसके बारे में आप इस कम्युनिटी को क्या मैसेज दोगे? थैंक यू गौरव जी। गौरव जी आवाज क्लियर है मेरी? ओके थैंक यू गौरव जी। वैसे तो दो तीन बार आ चुका हूँ मैं जूम पर भी, आपने मुझे अभी ये जो नया सिस्टम चला है जूम का, तो इसके अंदर नहीं आया, लेकिन बाकी मैं कोई भी जूम मीटिंग है वो मिस नहीं करता हूँ, चाहे दिन में हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। और जिसका गुरु ललित जैसे हो, तो ललित जी का अगर चेला हूं मैं तो मतलब ही नहीं है कोई चीज का। तो दोस्तों नाम राम निवास, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से, और एक शुरुआत करी थी अगस्त 2021 में, जो दूत बनकर आए थे ललित जी और यस सर, तरुण जी, सारे पूरे इंडिया के टॉप लीडर दुबई, अपने बद्दी के अंदर हिमाचल प्रदेश में अगस्त 2021 में मीटिंग थी वहां पर, और मैं किसी को छोड़ने गया था। एक दिन मॉर्निंग में यस सर बता भी रहे थे शायद, तो मैं छोड़ने गया था और अचानक आया हुआ सिस्टम पे, अचानक आया था बंदा जो कभी भी ऐसे सिस्टम पे विश्वास नहीं करता था। मैं 2006 से हिमाचल प्रदेश में हूँ और बिजनेस ही किया मैंने, फैक्ट्रियां फार्मा की भी लगाई, फैक्ट्री भी, जनरल स्टोर वगैरह भी था, और सारे लाइफ में बिजनेस के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे मैंने हर समय, क्योंकि कोई भी जितना भी हम बिजनेस करते हैं या हमारी लाइफ है वो पूरी रिस्क से भरी हुई है, तो रिस्क के बिना कोई सिस्टम है ही नहीं। हम गाड़ी लेके चलते हैं वो भी रिस्क पे चलती है, बिजनेस करते हैं वो भी रिस्क पे चलते हैं, हम मकान पे रहते हैं, आजकल भूकंप भी बहुत आ रहे हैं, अभी भी हिमाचल में आया था, वैसे मैं अभी राजस्थान में रहने लग गया हूँ। तो थैंक यू बोलूंगा प्लेटफॉर्म को, क्योंकि 15-16 साल से बाहर था, घर वालों से दूर, और इस सिस्टम ने मुझे घर पे ला दिया। तो वहां से सिस्टम को सीखा और ललित सर ने मुझे हर चीज सिखाई, तो थैंक यू बोलूंगा, मेरे गॉड है वो, और जो भी उनका आदेश होता है मैं मानता हूँ, और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सिखाने वाले का आदर करता, तो मेरे लिए तो गॉड है वो।
और दूसरी चीज कभी बोलने ही नहीं आता था मुझे, तो मेरे हाथ पैर कांपते थे मीटिंगों में। तो ललित सर ने मुझे हौसला बढ़ाते कि ललित सर बोलते रामनिवास ये करो ऐसे करो, अरे सीख जाओगे सीख जाओगे। और रही बात गौरव जी के, इंडिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा, दो चार स्टेट बचे हैं, बाकी कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ मेरा बिजनेस नहीं है। पूरा इंडिया मैंने बाई कार ट्रेवल किया है पूरा, और दो चार बचे हैं वो अब अल्टीमा में आराम से हो जाएंगे। आउट ऑफ कंट्री दुबई भी 6 बार गया हूँ, ललित सर से बहुत बार मिला हूँ, पर्सनली भी गए हैं हम ललित सर। और जो रही बात मीटिंग की, तो आपके सूरत में भी, आपके अहमदाबाद में भी, आपके व्यारा में भी, सारी जगह में, हर जगह सम। हाँ थोड़ी कटिंग करा लिए, बाल छोटे करा लिए, तो आप पहचान में नहीं आ रहे मैं तो उसके लिए सॉरी। दूसरी कम्युनिटी को ये बोलना चाहूंगा, हम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है, इवन कि हम अपने पेरेंट्स से भी संतुष्ट नहीं है। ये क्यों किया मम्मी पापा मेरे लिए, ये करते तो अच्छा होता, हम मेरे लिए ये साइकिल लाते, ये गाड़ी लाते, जो लाते, ये क्यों लाए वो, किसी भी चीज से। वाइफ अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है हर चीज से, और वो तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी की वाइफ भी नहीं है, लेकिन पति भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो बेचारा दिखाने को करता है। दूसरी सारी चीजें है कि हम अभी क्या, हम मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है इंडिया के अंदर। मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, सोचती तो गरीब की तरह और दिखना वो अमीर चाहते हैं। तो अब सोच गरीब वाली है तो अमीर कैसे बनेंगे, सोच भी तो हमारे को ऊपर निकालनी पड़ेगी वो सारी चीज। कल मैंने हेडरेस्ट किया था जब वो ज्योति जी के कुछ एक एंसर दिया था ज्योति ने, अठन्नी आती है कि क्या आता है इसके अंदर, अठन्नी चौवन्नी आती है कितनी। तो अगर वो रणवीर राजवीर सिंह होगा तो भाई को मैं बोलना चाहूँ, आज यश का, ललित सर का, अपना तरुण सर का, आकाश राव जी का, विनोद स्वामी जी का, इनका डैशबोर्ड जाके चेक करें, जबकि अभी तो एक एक बूंदे गिरने लगी है, एक एक बूंद में, क्योंकि यश सर से मेरी बात हो रही थी दिन में, आज मैंने 1 घंटे तक बात करी यश सर से। तो थैंक यू बोलता हूँ मैं तो मेरे अपलाइंट का, कि एक मैसेज करता हूँ यश सर का कॉल आ जाता है, मैसेज नहीं करता हूँ तो भी ललित सर का फोन आता है। और ललित सर तो इतने मतलब डाउन टू अर्थ है कि वो अपने नीचे जो अप डाउन लाइन है उनसे पूछते हैं कि आपके क्या ओपिनियन है इस सिस्टम के बारे में, ये ना क्या होगा, होने वाला है, क्या हो सकता है इस चीज में, ये ना जो लीडर अपने डाउन लाइन से सीख रहे हो वो कितने मजबूत होंगे। तो मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं ऐसे लीडर के साथ में हूँ जो हर समय अपनी टीम के लिए तैयार। दूसरी चीज, सफलता उसी को मिलेगी जो घर से बाहर निकलेगा। घर में हम बैठे हैं दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप घर से बाहर निकलो, धक्के खाओ, रोड पे चलो, कुछ भी करो, लेकिन घर खाली मत बैठो, बाहर निकलोगे तो। आज मुझे एक व्यापारी मिला था दो अनाज का, नागौर में क्या अनाज का अपना ज्यादा होता है, तो मेथी मिर्ची ये सब होती है। तो मैंने उनको बोला था, भाई अभी जो फसल की रेट है तो बहुत कम होती है, तो क्या करते हो आप, लेके क्या करते हो? बोला हम रखते हैं यहाँ पर, और घाटा आपको, मैं बोला घाटा क्या? पर बोला घाटा मेरे को तब तक नहीं होता जब तक मैं बेच के पैसे जेब में नहीं डाल लेता। ये ना आपके पास में जो एसेट पड़ा है, जब तक आप सेल करके उसका पैसे जेब में नहीं डालते तब तक आप ये नहीं बोल सकते इस सिस्टम में घाटा है। अभी स्वेपिंग स्मार्ट कॉइन आ चुका है, अल्टीमा आ चुका है, जो काम करेगा उसको तो मिलेगा, लेकिन जो नहीं करेगा उसको वेट करना पड़ेगा। पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन हम एक उम्मीद, 2-4 दिन पहले चल रहा था संभावना है, ये संभावना के ऊपर मार्केट चलने वाला है पूरा का पूरा। तो हमें सीखना पड़ेगा इस सिस्टम को। इंडिया में क्या करते हैं बाणिया, जिसको बोलते हैं व्यापारी, बाणिया को, बाणिया मतलब जाति से बाणिया नहीं, व्यापारी। बाणिया क्या करता है, जब भी रेटे कम होती है, जब भी बाजार से माल लेके आते हैं, वो उस माल के एसेट को बढ़ाते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, जो रेट कम होती है वो अपने मूलधन को गंवाती है। ये ना मेरे पास में एक बोरी अनाज की है, रेट अभी उसकी 3,000 है, मुझे पता है भविष्य में हो सकती है 10,000 भी हो सकती है, लेकिन बाणिया उसी धन का 4 गुणा 5 गुणा वो बोरियों की, ये ना 4 क्विंटल का 8 क्विंटल 10 क्विंटल करने की जुगाड़ में लगा रहेगा। और जो मूर्ख होगा वो क्या करेगा, 3,000 से ये तो 2,000 पे आएगा, 1,000 पे आएगा, मैं तो अभी बेच देता हूँ, और वो लॉस में होता है उस चीज के। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा। रही बात अठन्नी चवन्नी की, तो मेरी लाइफ बिल्कुल 100% 100 टाइम चेंज हुई है। मैं गाड़ी हैरियर में रहता हूँ, एक गाड़ी मेरे फादर के पास में, और वो 1,65,000 किलोमीटर इसी सिस्टम पे चली है। हैरियर है वो भी 65,000 किलोमीटर इसी सिस्टम पे चल चुकी है। ना हम समस्याओं से दूर भागते हैं, समस्या पीछा करती है, और जितना हम समस्याओं का सामना करती है समस्या हमारे से दूर भागती है। उसका कारण क्या, आपको कोई डाउनलाइन वाला जो परेशान है जिसको सिस्टम नहीं पता है, वो फोन कर रहा है, हम फोन पिक नहीं करते, हम उसका काटते हैं या हम दूरी काटते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, मेरे को चीट करके गया ये। लेकिन हम उसका, मेरा सिस्टम है सर, मेरे पास अगर किसी का कॉल आ गया, कोई भी प्लेटिन वर्ल्ड से भी किसी का, तो मैं सीधा बोलता हूँ कॉन्फ्रेंस में लो,
और ये वादा है कि लल्ली सर का दिया हुआ देने एक घंटा मेरे को अगर सुन लिया ना, भविष्य में वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता मैं उसका, और कोई क्वेश्चन मेरा रहता नहीं है कभी, क्योंकि मैं एवरी डे सीनियर लीडर से टच में रहता हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सर मैंने जो 1.5 साल के अंदर रेड डायमंड और अभी जो जेडे शुरू से मुझे मौका मिलेगा, दोबारा एक इन्फिनिटी आएगी, आपको डायरेक्ट बोनस आएगा, लीडरशिप बोनस आएगा, उसके साथ में आपकी रैंकें भी आएगी, और ये डायमंड जो दोबारा में डायमंड बनोगे कितना टाइम में बनेंगे? अभी मेरे ख्याल से यस सर तो 1-2 दिन में बन जाएंगे, ललित सर 1-2 दिन में बन जाएंगे, ये सीनियर लीडर बन जाएंगे, लेकिन हमारे पास मौका कितना है? पुरानी कम्युनिटी को छोड़ना नहीं है हमने, उसको भी पकड़ के रखना है, क्यों हमारे डाउन में अभी मैं बात करूं तो मेरे पास 3400 लोग है, 3400 लोग में से कितने 100 तो आएंगे कम से कम, लेकिन 100 की तो मेरी टीम ऑलरेडी बन चुकी है। 100 110 यूरो के भी अगर 100 बंदे फार्म लेंगे तो मेरा कितना काम हो रहा है, मेरी रैंक कितनी आ रही है? ये ना जो एक्टिवली काम करेगा पैसों की कमी नहीं रहने वाली है, और अगर कोई सोचता है कि मैं पैसे लगा के इसमें काम करने वाला हूँ तो उनके लिए प्लेटफॉर्म है नहीं, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला उसको। जिसके पास में पेशेंस है 4 साल 5 साल देने का इस सिस्टम के ऊपर, सिस्टम को सीख के, लोगों को सिखा के, और उसको बोल के भाई यहाँ सिस्टम के साथ में कनेक्ट रहना पड़ेगा, तो ये आपके लिए प्लेटफॉर्म। आज हमारे पास में जो ललित सर बोल रहे थे कि पूरी दुनिया फोन के ऊपर है, सर हम फोन पे हमारे मेरे 5000 फेसबुक फ्रेंड है, अगर और मेरे पास कम से कम 5000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट सेव है मेरे फोन के अंदर, सर वो किस लिए? उनको बताना तो पड़ेगा ना हमारे पास में। अभी फेसबुक पे हम शेयर कर रहे हैं, किसी को अच्छी नाइस बोल रहे हैं, किसी को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम? तो पूरी जब फ्रेंड्स की हमारी पूरी रिश्तेदारी भी हमारी फोन के ऊपर आ चुकी है, तो हमारा बिजनेस भी फोन के ऊपर है, उसको कैसे यूज करना है वो हमने देखना है। तो थैंक यू गौरव जी, वैसे मैंने टाइम ज्यादा लिया क्योंकि कल मुझे मौका नहीं दिया था आपने इसके लिए, तो थैंक यू। और मैं तो बोल रहा हूँ टाइम इज सुपर नाउ, ये अब जबरदस्त सिस्टम टाइम आ चुका है, अगर अब नहीं जागे तो पीछे नहीं जाओगे, और जो आगे वाले हैं वो उतना लेके जाएंगे तो पीछे वालों को उतना ही मिलेगा जितना आगे वाले छोड़ के जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार रामनिवास जी, और बहुत ही शानदार मैसेज दिया है आपने कि एक शिष्य वही होता है जो गुरु की हर एक आज्ञा का पालन करता है। जिस जिस शिष्य ने गुरु का आज्ञा का पालन किया है वो कहीं ना कहीं इतिहास रच के निकला है। तो हमें भी एक मैसेज यहाँ से ये भी ले सकते हैं कि हमें वही करना है जो हमारे सीनियर लीडर्स ने, हमारे गुरुओं ने जो यहाँ पे किया है वही हमें करना है। जो गलतियां हमारे सीनियर लीडर्स ने की होगी तो उस गलतियों से हमें सीखना है। उन्होंने जो सर गौरव जी एक गौरव जी, ये गलती के बारे में मैं टोकता हूँ, मैं हमेशा सुनता हूँ जूम के बारे में, हम सब लोग बोलते हैं सर के ये गलती होगी हमारे से, ये गलती होगी, ये इससे गलती होगी। सर गलती किसी से नहीं हुई, किसी से भी गलती नहीं हुई, सिस्टम है। कोई टाइम में हम एक ही रनवे पे, हम इसी रोड के ऊपर जा रहे हैं, बीच में अगर खड्डा आ गया या रोड टूटी हुई आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा? रास्ता चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि ये रेड टूट गई हमारे से गलती होगी, रास्ते पर आ गई इस पे। सर गलती किसी से नहीं हुई, यही रेट अगर $1,00,000 रहती है एवरीडे, क्या ये शब्द यूज होता है क्या? कभी कभी यूज नहीं होता किसी के लिए। गलती उसने करी अगर किसी ने बोला है कि मैं इसमें रुपये आएंगे, गलती उसने करी है सिर्फ, और वो सिर्फ ओनली वन उसी बंदे की गलती है, बाकी न सिस्टम की गलती है नहीं किसी लीडर की गलती है। गलती तब मानी जाती है, हम करते हैं कि हम कोशिश कब लागू होती है यार, हम काम कर रहे हैं और हम विफल हो गए तो हम क्या बोलते हैं? कोशिश तो करी लेकिन हुआ नहीं। अगर सफल होना तो कोशिश नहीं करनी, यहाँ करना पड़ेगा, आई कैन करना पड़ेगा। आपका IQ लेवल कोई भी हो कोई मायने नहीं रखता, आई कैन करना पड़ेगा आपको। तो गलती किसी की, ये शब्द तो यूज ही नहीं होना चाहिए कि गलती नहीं, किसी की भी गलती नहीं है। एलेक्स सर हमारे भविष्य के लिए कर रहे थे, हमारे बेटर भविष्य के लिए कर रहे थे, हमेशा कर रहे हैं। अगर वो उनको करना होता तो कब से गिव अप कर लेते वो, लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं करी, सिस्टम चला रहे, सिस्टम हमने उनको अच्छा नहीं दिया, जो भी हमने किया वो हमने अच्छा नहीं किया उनके साथ में, क्योंकि हमने सेल 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 कोई स्टेकिंग कोई भी लर्निंग कुछ भी नहीं किया हमने। तो गलती शब्द तो यूज ही नहीं होना चाहिए। हाँ कोशिश करी फेल हो गई कोई बात नहीं, उसको लागू होती कोशिश करी, गलती कुछ भी नहीं होती। अगर ये $1,00,000 होता तो आज बोलते कि यार क्या बात है कितना कमा लिया हमने, तो ये सब लागू भी नहीं होता। तो आगे से कोई भी गलती का नाम ले तो गौरव जी आप टॉक होगे प्लीज। थैंक यू, बहुत ही शानदार माइंडसेट रहा है सर आपका, और मैं ये सबको मैसेज कन्वे करूंगा कि भाई गलती शब्द का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 9:30 का, और अब हम ज्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ लास्ट में एक मैसेज मैं सबको देना चाहूंगा कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ अर्निंग करते ही रहते हैं।
चाहे कोई खुद का बिजनेस कर रहा हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हर कोई अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने रिस्क फैक्टर उठाने के हिसाब से बिजनेस कर रहा है। रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क हमारे लाइफ के अंदर हर एक सेक्शन में है, हर एक कदम कदम पर रिस्क है, पर इन सबसे ऊपर, इन सबसे ये जितने भी बिजनेस है, ये सभी बिजनेस के परे एक बिजनेस है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का, जहां पर कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हम बहुत ही बड़ी इनकम यहाँ से ले सकते हैं। हम लोगों को एजुकेट करके बहुत ही बड़ी इनकम ले सकते हैं। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, दैट इज नेटवर्किंग। आपके कॉन्टेक्स्ट का यूज कीजिए, आपके कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट का यूज कीजिए, उनको एजुकेट करिए, और नेटवर्किंग के द्वारा सही मायने में नेटवर्क के किंग बनिए। तो सबसे मैं अब अलविदा कहूंगा, हम कल फिर शाम को मिलेंगे 8 बजे, तब तक के लिए गुड बाय।